क्या हो गई मेरी गलती, क्या हो गई मेरी गलती। ये हमारे जैसे फकीर भगती ऐसी बात कह सकते हैं, बाकी तो कोई गलती मानता ही नहीं। क्या हो गई मेरी गलती, क्या हो गई मेरी गलती। राधा जी से शिकायत हो रही है, श्याम से श्यामा बनकर मिलके, श्याम से श्यामा बनकर मिलके। तुम तो कन्हैया से मिलने के लिए कोई भी रूप धारण कर लेती हो, पर हमें तो रूप बदलना ही आता नहीं। क्या हो गई मेरी गलती, क्या हो गई मेरी गलती। श्याम से श्यामा बनके मिलके, श्याम से श्यामा बनके, श्याम से श्यामा बनके, श्याम से श्यामा बनके मिलवा दे, मिलवा दे, मिलवा दे, श्याम से मिलवा दे, मिलवा दे, मिलवा दे, मिलवा दे, श्याम से मिलवा दे। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यो भी बाहबा है, वहां यो भी बाहबा है, हर हाल में खुश रहिए। आज भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दर्शन कराते हैं। राजन, अभी तक मैंने जो तुम्हें कहा उससे मन शुद्ध हुआ और घर में कई कमरे बनाए हैं भगवान ने, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार कमरे तो तुम्हारे घर में बराबर हैं। एक साथ तो झाड़ू सब नहीं साफ करता, पहले एक कमरे को साफ करेगा, फिर दूसरे कमरे को करेगा, फिर तीसरे को, चौथे, और सभी कमरों का अर्थात पूरे मकान का कूड़ा करकट निकालकर फिर घर के बाहर लाएगा। राजा परीक्षित को कहा कि तुम जो कथा श्रवण कर रहे हो, इन चार दिवसों में तुमने अपने मन की पवित्रता को शुद्ध कर लिया, तुम्हारा मन निर्मल हो चुका है, और जब मन निर्मल होता है तो फिर बुद्धि रूपी कमरे की आवृत्ति यानी कि उसकी शुरुआत होती है, फिर बुद्धि की शुरुआत हुई। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु मेरा मन निर्मल हो गया, अब मेरी बुद्धि को निर्मल करो। मन बुद्धि और चित्त जब तीनों एक साथ निर्मल हो जाते हैं तो आदमी अहंकार शून्य हो जाता है, फिर उसे अहंकार नहीं रहता। अहंकार रूपी भी कमरा है तुम्हारे शरीर में, पर वो फिर रहता नहीं है। तीनों जगह निर्मल हो जाएं तो हमारा जो अहंकार है वो बल में बदल जाता है, ताकत में बदल जाता है। अगर तुम्हारा मन निर्मल नहीं है, तुम्हारी बुद्धि निर्मल नहीं, तुम्हारा चित्त निर्मल नहीं है, तो तुम्हारा जो अहंकार है वो ताकत में नहीं रहता है, वो खाली विचारों में रह जाता है। और जिनका अहंकार विचारों में होता है उससे उनका विनाश होता है, और जिनका अहंकार बल में अर्थात ताकत में बदल जाता है उस अहंकार से उनका उत्थान होता है।
अखाड़े में दो पहलवान कुश्ती करते हैं और हाथ मिलाते समय दोनों अहंकार में आ जाते हैं और दोनों को जीतने की फिक्र होती है, दोनों को जीतने की उम्मीद होती है और दोनों का उद्देश्य है जीतना। एक दूसरे की पहचान नहीं, एक दूसरे का कोई दुश्मन नहीं, फिर भी एक दूसरे को पटकना चाहते हैं और एक जीतना चाहते हैं। उनके अंदर अहंकार तो पूरा है पर उस अहंकार की वजह से उनका मन निर्मल है, उनकी बुद्धि निर्मल है, उनका चित्त निर्मल है, इसलिए उस अहंकार की वजह से उनमें से किसी एक को बहादुरी का पुरस्कार मिलता है। जब हम चार मंजिल के मकान पर चढ़ते हैं तब भी हमें अहंकार आता है पर वो विचारों का अहंकार नहीं है। जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो अहंकार आएगा। यार इसके माइक वाले के हाथ बांधो दोनों, एक सेकंड भी हाथ बंद नहीं उसका। अहंकार से व्यक्ति की जीत होती है पर अहंकार विचार में नहीं, अहंकार उसके बल में आना चाहिए। जब अहंकार बल में आता है तो आत्मा महापावित हो जाती है, महाबलवान हो जाते हैं। हनुमान जी जब भी धरती से आकाश की तरह उड़ते थे तो उनके शरीर में अहंकार आता था और जब उनके शरीर में अहंकार आता तो उनके आगे सारे के सारे वायु आकाश पृथ्वी सब छोटे पड़ जाते, क्योंकि व्यक्ति बल से ही सबको जीतता है। कहीं बुद्धि बल जीतता है, कहीं मानसिक बल जीतता है, कहीं शारीरिक बल जीतता है, कहीं आर्थिक बल जीतता है, कहीं सामाजिक बल जीतता है, कहीं आत्मिक बल जीतता है, पर बल ही चाहिए। सत्संग में आकर कथा में आकर आदमी को छह प्रकार का बल मिलता है और जिस व्यक्ति के पास में छह प्रकार का बल मौजूद है वो व्यक्ति दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कहलाता है, बड़ा व्यक्ति कहलाता है, श्रेष्ठ। क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि में छह ही बल बनाए हैं जो मैंने अभी आपको बताए। सबसे जरूरी है आपको आत्मिक बल, फिर मानसिक बल, बौद्धिक बल, आर्थिक बल, शारीरिक बल और सामाजिक बल। आपके साथ में ही पब्लिक भी होनी चाहिए। आप कुछ करें तो आपके साथ में कोई कई लोग होने चाहिए। बल से जीत होती है। हे राजा परीक्षित, आज तुम्हें मानसिक बल मिला है। मानसिक बल से व्यक्ति इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, इंद्रियों के विषय को रोकता है, इंद्रियों के ऊपर कब्जा कर लेता है, इंद्रियों को अपने अनुकूल बना लेता है। देखिए हाथ में राइफल हो, पिस्टल हो, हाथ में चाकू हो, तलवार हो, तो वो तलवार दुश्मन को भी मार सकती है और वो तलवार तुम्हें भी मार सकती है। खाली तुम्हें प्रयोग बदलना है। दुश्मन पर चलाओगे तो दुश्मन मरेगा, अपनी गर्दन पे चलाओगे तो तुम मरोगे। तो अहंकार का भी ऐसा ही है, जैसे तलवार जहां प्रहार करेगी उसको मारेगी, अहंकार का भी वही हाल है, अहंकार भी वही करता है। इसलिए तलवार चलाने का ज्ञान अगर आपके पास है कि कहां पर तलवार चलानी चाहिए, वैसे ही अहंकार का प्रहार कहां करना चाहिए ये ज्ञान भी अगर हमारे पास है तो अहंकार से भी हमारी कोई हानि होती नहीं है। आप अपने पास में लठिया रखो, आप अनर्गल अहंकार क्रोध मत करिए,
तो लठिया आपकी सहायता करेगी, मदद करेगी, गड्ढे में गिरने से बचाएगी, कीचड़ में रपटने से बचाएगी, पागल कुत्ते के काटने से बचाएगी, और कहीं भी जरूरत पड़ी तो आपकी मदद ही करेगी। पर आपको बुद्धि चाहिए। आपके हाथ में अगर है लठिया और आपकी बीवी ने थोड़ा नीचा ऊंचा बोल दिया और फिर आप गलत कर डालते हैं, क्योंकि साधन जो होता है व्यक्ति की जिंदगी को संवारने के लिए होता है, पर व्यक्ति साधन का अगर सही बुद्धि से प्रयोग नहीं करता तो वो जिंदगी को बिगाड़ भी देता है। आज भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन महर्षि कश्यप की धर्म पत्नी दिति अपने पति के पास पहुंची और अपने पति से जाकर के अपना दुख रोने लगी। दुख क्या रोया है? पत्नी का दुख पति के पास कुछ ज्यादा नहीं होता, या तो अपनी कोई फरमाइश होगी, नहीं तो उनके बच्चों की कोई फरमाइश होगी। औरत अपने बच्चे के बारे में थोड़ी ज्यादा सोचती है, या कभी कभी अपने बारे में थोड़ा ज्यादा सोचती है। अदिति माता ने जाकर अपने पति कश्यप से कहा, स्वामी आप तो हमेशा यज्ञ ध्यान में बैठे रहते हो, आपको ये भी पता नहीं है कि घर में क्या चल रहा है। मेरे पुत्र इस समय बहुत गरीबी भोग रहे हैं, आप मेरे पुत्रों का कुछ इंतजाम करो जिससे कि उन्हें घर मकान और रोटी और कपड़े की कुछ बंदोबस्त हो जाए। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने भाग्य से फल भोगता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जन्म भर माता पिता की छाती पर बैठकर खाता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे माता पिता के होते से बचपन से ही मेहनत मजदूरी करके माता पिता को खिलाना पड़ता है। तो ये सब अपने अपने कर्मों का खेल है। मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कोई मदद नहीं कर सकता। अदिति नाराज हो गई। पति अगर ये पत्नी से कह दे कि मैं तेरे बच्चे के लिए नहीं ला सकता कपड़े, और ना मैं सब्जी ला सकता हूं ना आटा ला सकता हूं, तो पत्नी नाराज हुई। पर पत्नी नाराज हुई पर समझदारी भी बहुत ज्यादा है पत्नी में। नाराज होकर पत्नी मौन हो गई, पर पति से उसने कोई लफ्ज नहीं कहा। समझदार पत्नी है, चुप रही, आज नहीं तो कल मेरे पति को ध्यान आएगा बच्चों का, तो अवश्य ही कोई न कोई उपाय निकालेंगे। कश्यप ऋषि पत्नी के पास में सायंकाल गए और कहा, देवी तुम्हारे बच्चों को हुआ क्या है? तुम्हारे बच्चे तो स्वर्ग में राजगद्दी पर बैठे राज भोग रहे हैं। मैंने अपने हाथों से ही भगवान विष्णु को, तुम्हारे पुत्र को स्वर्ग का इंद्र राज कर दिया, एक बेटे को कुबेर अर्थात मैंने कोष अध्यक्ष बना दिया, एक बेटा तो तुम्हारा सबका काल बनकर बैठा है, फिर तुम अपने बच्चों को लेके क्यों दुखी हो? देखिए ये कथा आपको एक बहुत बढ़िया दर्शन कराएगी। दर्शन यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने पुण्यों से कितना भी महान हो जाए, अगले पिछले जन्मों के कर्मों के कारण वो हो सकता है जल्दी पैसे वाला भी हो जाए, पर उसने पैसे वाला होने के बाद में पैसे का सम्मान नहीं किया, समाज का सम्मान नहीं किया, भोजन का सम्मान नहीं किया, धर्म का सम्मान नहीं किया, नीति का सम्मान नहीं किया, तो उस आदमी को कटोरा लेकर भीख मांगने में भी देर लगने वाली नहीं है।
बड़े बड़े राजा महाराजा रोड़ों पर घूम रहे हैं, लारियां लगाकर टमाटर ले लो, बैंगन ले लो, और बहुत सारे बैंगन चलाने वाले, टमाटर बेचने वाले करोड़पति बन गए, उद्योगपति बन गए, मंडियों के मालिक हो गए। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, जो मिलेगा वो सब आपके कर्म का है, आपका ही कमाया हुआ है। चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे वो दंड हो, चाहे प्रसाद हो, जो भी है वो सब आपका किया हुआ है। अरे अदिति, तेरे पुत्रों को राजगद्दी से इसीलिए उतार दिया है क्योंकि तेरे पुत्रों ने राजगद्दी पर बैठकर अन्नदान करना बंद कर दिया, यज्ञ करना बंद कर दिया, गौ सेवा बंद कर दिया, समाज सेवा बंद कर दिया। राजा का धर्म होता है कि राजा गौ दान करे, गौ सेवा करे, समाज सेवा करे, अन्नदान करे। ये राजा का धर्म है गौ दान करना। पर अभी तो आप समझ रहे होंगे राजा का धर्म क्या है। गौ काटने के लिए कट्टी का लाइसेंस देना राजा का धर्म है। अब राजा को न जाने क्या हो गया है, गौ काटने का लाइसेंस कैसे दे रहा है। पर महर्षि कश्यप सिखाते हैं पत्नी को कि तुम्हारे बच्चे इसीलिए दरिद्र हुए क्योंकि उन्होंने सुख और धन भोगने के बाद दान नहीं किया। जो व्यक्ति दान करता है, यज्ञ की सेवा करता है, गऊ का पालन करता है, गाय के लिए अपना नौछावर सर्वस्व कर देता है, समाज के लिए, यज्ञ के लिए अपने जीवन का नित्य धर्म समझता है, वह व्यक्ति चाहे राक्षस कुल का हो, चाहे भंगी के कुल का हो, चाहे शूद्र जाति का हो, उसे स्वर्ग का इंद्र बनने में देर नहीं लगती। अदिति को पूछा, तेरे पुत्रों ने गद्दी का त्याग नहीं किया, तेरे पुत्रों की गद्दी चली गई है, पर तेरे पुत्र की गद्दी पे अभी कौन सा राजा के बैठा है। अदिति ने कहा कि तुम्हारे ही पुत्र है वो, दिति के पुत्र ने ही राजगद्दी को सवार लिया है और मेरे पुत्रों को धरती लोक पर भिखारी बना के भेज दिया है। महाराज कहने लगे कि मेरे लिए तो दोनों ही समान हैं, अदिति भी मेरी पत्नी है और दिति भी मेरी पत्नी है, इसलिए मैं तो दोनों को समान देखूंगा, जो करेगा सो भरेगा। तुम बड़ी पत्नी हो इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चों को सबसे पहले राजगद्दी दी, नौकरी दी, सेवा दी और धन दिया, पर तुम्हारे बच्चों ने थोड़े ही समय में सब विनाश कर लिया। अदिति कहने लगे, स्वामी जो भी हुआ पर मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती, मैं उन्हें भूखा नहीं देख सकती और मैं उन्हें गरीब नहीं देख सकती। महर्षि कश्यप ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। अदिति कहती है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं सब कुछ कर सकती हूं, पर बच्चों के लिए करने के लिए मुझे कोई उपाय बताओ, कोई कर्म बताओ, कोई विधि बताओ, कोई पूजा बताओ, कोई व्रत बताओ। महर्षि कश्यप बड़े वैज्ञानिक ऋषि थे, उन्होंने सोच लिया। ब्राह्मण किसी यजमान से संकल्प छुड़वाकर अपने घर पर मंत्र जाप करके यजमान की शांति कर देता है तो अवश्य ही ब्राह्मण से ज्यादा प्यार तो बच्चे से माँ करती है। माँ का बालक चाहे माँ से कितना भी दूर रहे,
पर माँ अपने बच्चे के बारे में जब भी भगवान से पूछेगी कहेगी तो सच्ची ही दिल से कहेगी। ऐसा सोच करके महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को पयोव्रत का ज्ञान दिया। पयोव्रत पयोव्रत का अर्थ होता है एक ऐसा पवित्र व्रत दिया जिस व्रत को करने से भगवान विष्णु की अति प्रसन्नता जल्दी हो जाती है। भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं और जब भगवान रीझते हैं तो भगवान क्षण भर में सपन दर्शन देते हैं और भक्त की कामना पूछते हैं। फागुन का महीना आया, एकादशी की तिथि आई और शुक्ल पक्ष आया है। एकादशी फाल्गुन मास सबके अंदर मस्ती छाई है। महारानी कायाधुस्त में होकर अदिति माता अब व्रत कर रही हैं। सभी बहनों से अनुरोध करता हूं कि ये व्रत बहुत अच्छा है पर इस व्रत में थोड़ी सी कठिनाई है। एकादशी का व्रत पकड़ने के लिए दसवीं की रात्रि के 12 बजे मलमूत्र त्याग स्नान करके व्रत पूरा शुरू करें। जैसे आज अष्टमी का दिन है तो आपको अष्टमी और सप्तमी की रात के 12 बजे से व्रत पकड़ना चाहिए। 12 बजे स्नान करो, मलमूत्र का त्याग करो और आसन पर बैठो और भगवान कृष्ण के नाम का जाप करो तो आज अष्टमी का व्रत सत्य कहलाएगा। अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारे भाग्य में वृंदावन की कथा, भागवत की कथा और कृष्ण कथा है और आज भगवान का जन्मदिन आप इस मंडप में मनाओगे। इच्छा नहीं हो तो भी तुम्हें मंडप में जन्मदिन मनाना ही पड़ेगा, इसीलिए न चाहते हुए भी तुम्हें पुण्य मिल जाएगा। आज अगर आप वृंदावन नहीं आते तो अष्टमी के दिन आप घड़ी में कितने बज रहे हैं, क्या करते होते इस समय अपने घर में, सच्ची बताओ। महाराष्ट्र में तो काम ही नहीं औरतों के पास में, कुछ भी थोड़ा बहुत काम होता है झूठा कूटा, उसके लिए झूठा कूटा करने वाली आ जाती है, झाड़ू पोछे वाली, तो फिर करेंगे क्या 2 बजे 3 बजे 4 बजे। पर अच्छी बात यह है कि कुछ भी न करके महाराष्ट्र में हर घर में आदमी हो औरत हो अपने घर में पूजा हर रोज करते हैं। समय कम दो या ज्यादा, भाव से करो या बिना भाव से, मन से करो या बिना मन से, पर घर के भगवान को रोज प्रणाम करते हैं लोग महाराष्ट्र में, इसीलिए आज उनको ये मौका मिला कि उन्हें भगवान के धाम आने की संधि मिल गई। हमारे यहां पर घर घर में पूजा कम होती है, उत्तर प्रदेश में घर घर में पूजा यानी घर में मंदिर कम होते हैं। यहां कहीं एक आध घर में मंदिर मिलेगा, आप अगर किसी गांव खेड़े में गए तो फिर उन घरों में मंदिर नहीं मिलेंगे। कई कई औरतों को तो 4-4, 6-6 साल हो जाती है, वो मंदिर भी नहीं देख पाती, मंदिर कौन सी दुनिया में रहता है। भैंस के गोबर से फुर्सत मिलती नहीं जिंदगी भर। इसलिए आपका भाग्य बहुत अच्छा है महाराष्ट्र की औरतों का। अदिति भी औरत है, पति ने कहा कि औरत पूजा पाठ करने में व्रत करने में सबसे आगे होती है, इसीलिए कठिन से कठिन व्रत पत्नी को दे दो, औरत को दे दो, वो पूरा कर लेगी, पर उसके पीछे उसे फल दिखा दो कि ये फल मिलता है।
अगर स्त्री को यह समझ गया कि ये कथा सुन करके इस मंदिर में जा करके या इस पीपल भगवान को माथा लगाकर ये काम पूरा हो जाएगा, तो सारी दुनिया को छोड़कर वो काम पूरा करेगी। ये वृंदावन की पहली कथा ऐसी हो रही है जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, नहीं तो हर कथा में स्त्रियां ज्यादा और पुरुष कम रहते हैं। अदिति माता ने आज तो अपने शरीर को निर्मल पवित्र स्वच्छ कर लिया, मल मूत्र का त्याग करके आसन डालकर भगवान विष्णु के ध्यान में बैठ गई। एक दिन में भगवान हमें अपनी भक्ति का व्रत का फल देता है, पर हमें व्रत सच्चे मन से नित्य पूजा से और धर्म से पूरा कर लेना चाहिए। भगवान कृष्ण के जन्म के लिए अभी कथा आएगी, फिर भी अब बता ही देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए गोकुल में 11 दिन तक औरतों ने पानी और भोजन और निद्रा कुछ भी किया नहीं था। जिस समय रोहिणी ने बलराम जी को जन्म दिया उस दिन से लेकर अष्टमी आई तब तक गोकुल के किसी नारी ने पानी नहीं पिया। और मैंने कल कहा, आज फिर कहता हूं, अगर भगवान को मानसिक रूप से ही प्रकट करना है तो कितना भी खाओ पियो सो, और वास्तविकता में उन्हें प्रकट करना है तो नींद भोजन और पानी का त्याग करना पड़ेगा। जब संसार में घर परिवार में मंदिरों में यज्ञों में भगवान नहीं मिलता तो कुछ लोग हिमालय में जाकर भूखे प्यासे गुफा खोद के बैठ जाते हैं, जहां ना तो पानी आता है, ना भोजन आता है, ना वहां कोई नर नारी आता है, ना वो कोई प्रपंच आता है। कई महात्मा उन गुफाओं में बैठे रहते हैं, कभी ना पीते हैं ना कभी खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक खाएंगे पिएंगे सोएंगे जाएंगे तो ये संसार का व्यवहार हो जाएगा। संसार का व्यवहार करते हुए भगवान का दर्शन करना अति दुर्लभ है। कर्म मार्ग से जाओगे तो भगवान संसार में भी मिलता है, पर भक्ति मार्ग से जाओगे तो भगवान कैवल्य भक्ति से मिलता है। भक्तिवान बनना चाहते हो तो केवल भक्ति करनी पड़ेगी तो प्रभु मिलेगा, और कर्मवान बनना चाहते हो तो तुम्हें भक्ति की जरूरत नहीं है, खाली कर्म किए जा भगवान मिल जाएगा। पर अब कर्म क्या होता है वो भी तुम्हें नहीं समझता। तुम तो खेत में गेहूं बोने को भी कर्म समझते हो और उसे काट के घर में लाने को भी कर्म समझते हो, गेहूं ज्यादा हो गया मंडी ले जाना भी कर्म समझते हो, ये सब तुम अपना कर्म समझते हो। इससे तुम्हारा उद्धार कैसे होगा और इससे भगवान कैसे मिले? मैंने परसों कहा था फिर दोहराता हूं, ये तुम्हारा कर्म नहीं है, ये तुम्हारी जरूरत है, जरूरत। और जो जरूरत है वो तो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी। क्यों? जरूरत को तो चिड़िया भी पूरा करती है और चींटी भी पूरा करती है। तुम अगर अपनी जरूरत पूरी कर रहे हो तो किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर तुम्हें कार में घूमने की इच्छा है तो फिर आपको वो तुम्हारी जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करना है तो आपको उतना धन कमाना ही पड़ेगा, ये कर्म नहीं है। व्यक्ति का जो कर्म होता है वो क्या है? यथा योग्यम तथा पूजा, यथा योग्य व्यवहार करना ही व्यक्ति का कर्म होता है। नित्य ध्यान करे, नित्य यज्ञ करे, नित्य सेवा करे, नित्य कमाई करे, नित्य दान करे, नित्य विश्राम करे, नित्य भजन करे, ये आदमी के कर्म में आता है। एक नित्य कर्म होता है, एक सत्य कर्म होता है, ऐसे ही कुकर्म भी होता है। तो आदमी का जो नित्य कर्म होता है उस नित्य कर्म को आप नहीं करते,
कहां करते नित्य कर्म आप? रात को चाहे कितनी भी देरी से सो, पर सुबह समय पर उठ जाओ तो ये नित्य कर्म कहलाएगा, तो आपको फल मिलेगा। अगर आप रात को देर से सोए हैं तो बैलेंस में सुबह निकाल रहे हैं। आप घंटे पूरे कर लेते जब तक तुम्हें नींद आती रहती है। रात को आप कभी भी सो, पर सुबह आप अपना कर्म मत छोड़िए, आपकी जीत हो जाएगी। आज तो माता अदिति एक व्रत में बैठ गई, दसवीं की रात्रि के 12 बजे माता अदिति ने आसन डाल लिया और भगवान विष्णु का मंत्र ध्यान करने लगी। रात गुजर गई, दिन आ गया, धीरे धीरे दिन भी जा रहा है, एकादशी का दिन भी पूरा हो गया, द्वादशी की रात्रि का मिलन हुआ। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आंखें खोली, माने देखा कि तिथि बदल गई, एकादशी का व्रत तो हो गया पर भगवान आए नहीं। व्रत के बाद में थोड़ा व्रत को छोड़ना पड़ता है, तो थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा सा आहार ले लो। अदिति माता सोच रही है अब रात के 12 बज गए, अब खाने से कोई फायदा नहीं है, अब तो मैं सुबह सूर्य उदय होकर यज्ञ करूंगी, उसके बाद ही फल खाऊंगी। अब आप व्रत का मतलब सुन लो और समझ लो कथा में। ये व्रत किया माता ने, माता जी ने कह दिया कि अब 12 बज गए और 12 बजे भोजन क्या करने का, जब दिन भर बिना भोजन के मृत्यु नहीं आई तो रात में तो सोना ही है। अदिति माता द्वादशी के सुबह भोजन करेंगी, ऐसा सोचकर उन्होंने पूरे दिन का व्रत सफल किया और विश्राम में चली गई। और जब माँ विश्राम में गई हैं तो विश्राम में ही सबसे पहले उन्हें चतुर्भुज नारायण का सपने में दर्शन हुआ। अदिति माता ने भगवान का दर्शन किया, प्रभु ने पूछा इतने दुर्लभ व्रत तुमने क्यों किया है देवी, तुम क्या चाहती हो? देवी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो व्रत किया है वो मेरे बच्चों के लिए किया है, मेरे बच्चे दुखी हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, उन्हें अमीर बना दो, उन्हें घर दे दो, मकान दे दो, उन्हें रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, और मेरे बच्चों की गई हुई राजगद्दी उन्हें वापस दे दो। मैं अपना पूरा व्रत अपने बच्चों के लिए किया है, मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूं। तुम दान करो, तुम यज्ञ करो, तुम सेवा करो, तुम जप करो, तुम तप करो और उसका फल तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाए, ऐसा भगवान से कहो तो भगवान को बहुत आनंद लगता है ऐसे भक्त को देखकर। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा देवी तुम्हारा भाव तो बहुत श्रेष्ठ है पर अभी तुम्हारा पुण्य कम है, अगर ये मैंने तुम्हारे बच्चों को दे दिया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। और किसी का भी पुण्य दूसरे को तब दिया जाता है जब अपने पास में पुण्य का बैलेंस बराबर हो। इस व्रत को करने से तो तुम ही व्रतवान और पुण्यवान बनोगे, जब तुम्हारे हाथ में रुपया आएगा ही नहीं तो तुम दान दोगे कैसे, इस व्रत से तो तुम्हें ही रुपया मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को नहीं मिलेगा। हे प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए मैं बिना पुण्य के और बिना फल के जी सकती हूं, क्योंकि बूढ़े माता पिता का सपना तो उनके बच्चे ही होते हैं, हमारा जीवन तो अब समाप्त हो गया, अब जो जिंदगी है वो तो बच्चों की है, जो भी हम करते हैं अब बच्चों के लिए करते हैं बुढ़ापे में, इसलिए हे प्रभु कैसे भी करके आप मेरे बच्चों को मेरा फल दे दीजिए और उनकी गई हुई अमीरी उन्हें वापस दिलवा दो। भगवान विष्णु ने देवी को कहा देवी जिस गद्दी पर
तुम्हारा पुत्र इंद्र बैठा करता था उस गद्दी पर, आज सबल पुत्र बैठे हैं जिनका नाम है बलि महाराज, जो द्विती वंश के हैं, अर्थात राक्षस कुल में जिनका जन्म हुआ। राजा बलि के दादाजी का नाम भी भागवत में दर्शाया है। राजा बलि के दादा हैं भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पोते का नाम है बलि, जिनके दादा बाबा बहुत दानी और भगत हुआ करते हैं। उनकी तीन पीढ़ियों में अच्छी संतान निर्माण होती हैं, और जिनके दादा बाबा बदमाश होते हैं उनकी तीन पीढ़ियों में बच्चे भी बदमाश पैदा होते हैं। क्यों आप जानते हैं? एक बार खेत में खराब घास आ जाए तो कई साल तक निकलती नहीं है वो। अब कितनी भी दवा मार लो, कितने भी कल्टीवेटर चला लो, तो आनुवंशिक जो व्यवस्था है वो कम से कम तीन पीढ़ी को सताती है। इसीलिए साधु कहते हैं तीन पीढ़ियों तक जब आनुवंशिक परंपरा चलती है तो सभी लोग ऐसा करो कि अपने घर में एक एक आदमी महापुरुष बना लो, एक एक आदमी भगत बना लो, एक एक आदमी संत बना लो, एक एक आदमी अच्छा कथाकार बना लो, जिससे कि तुम्हारे घर में उसकी वजह से तीन पीढ़ियों तक साधु संतों की उत्पत्ति होती रहेगी। पर कथा कहती है कुछ और हम कर रहे हैं कुछ। हमको तो गुटखा खाने वाले बेटा चाहिए। बाप ने तो 40 से 45 वर्ष की आयु में गुटखा खाना सीखा और बेटा तो 10 वर्ष में सीख गया, क्योंकि बाप ने मां के पेट में ही उसे खिला पिला के सिखा के बाहर निकाला है। जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो जितने भी शराबी बैठे हैं, मांसाहारी अंडाबाज बैठे हैं, वो कान खोल के सुन लो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, तुम्हारी आज्ञा नहीं पालेंगे और तुम्हारे धर्म को भी आगे नहीं चलाएंगे, क्योंकि तुमने धर्म नहीं चलाया है तो वो धर्म क्यों चलाएंगे। हर काम में तुमसे नंबर वन निकलेंगे वो, और भरोसा नहीं है तो प्रैक्टिकल में आगे आ जाएगा सारा सिस्टम। जब तक तुम्हारे हाथों में दम है तब तक तो बच्चा डर के मारे सुनेगा, पर जब तुम्हारे हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे तो फिर बच्चा अपना रंग दिखाएगा। अदिति माता ने आज भगवान से जिद की है तो भगवान ने कहा, देवी जिस व्यक्ति ने इंद्र आसन को पाया है वो बलि है, और बलि ने 100 यज्ञ कर लिए और 100 यज्ञों में इतना अन्न दान किया है, इतना ब्राह्मणों को धन दिया है कि अन्न दान और धन और यज्ञ की पुण्य से उसी स्वर्ग में इंद्र का आसन मिला। तो देखिए स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर स्वर्ग का राजा बनना बड़ी बात है। आप सोच लो, धरती पर मनुष्य बनना तो कोई बड़ी बात नहीं, पर मनुष्य बन करके कोई प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के पद पर चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक 121 करोड़ पब्लिक में एक आदमी प्रधानमंत्री है तो कितनी बड़ी बात है। तो स्वर्ग का राजा बनने का अवसर मिलेगा उसको जो अपने जीवन में 100 यज्ञ दान अवत्त पुण्यम भोगे अनित भूतम यज्ञो वै स्वर्गः। जो अन्नदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो गरीब गोर को भोजन कराते हैं, जो गाय को चिड़ियों को रोज दाना डालते हैं, उनके लिए स्वर्ग इंतजार कर रहा है।
राजा बलि स्वर्ग के आसन पर बैठ करके आनंद भोगते हैं, और जो स्वर्ग में इंद्र की गद्दी पर वो धरती में भीख मांग रहे हैं। भगवान तुम्हारे साथ में ऐसी स्थिति पैदा न हो, उससे पहले ही यज्ञ करने की शुरुआत कर दो, दान करने की शुरुआत कर दो, गौ सेवा की शुरुआत कर दो, और भंडारे में एकाध कुंटल गेहूं कहीं भेज दिया करो, जिससे कि तुम्हारे घर में नरक तो नहीं आएगा, कम से कम तुम इंद्र बनो मत बनो, राजा बनो मत बनो, पर तुम खाली ग्राम पंचायत के सदस्य भी बन गए तब भी अच्छा है, कम से कम स्वर्ग का सदस्य पद तो मिले। आज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को दर्शन कराते हैं। राजन, भगवान ने जाते जाते देवी अदिति को कहा, देवी अभी तुम्हारा पुण्य कम है, तुम्हारा व्रत कम है, इसीलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अवश्य ही मैं तुम्हारे बच्चों को उद्धार करूंगा, पर थोड़ा सा पुण्य और कमाओ, तुम लगातार 7 वर्ष तक यही व्रत करो, 7वां वर्ष पूरा होगा उसी समय मैं तुम्हारे पेट से पुत्र का जन्म लेकर आऊंगा और तुम्हारे वंश का उद्धार करूंगा। अदिति माता भगवान की बात का विश्वास करके लगातार 7 व्रत किए उसने, 7 व्रत किए। जो व्यक्ति 7 व्रत पूरे कर लेता है भागवत के, तो उसके लिए भगवान विष्णु की ये 24 अवतारों की कथा कोई भी फल देती है, कोई भी फल। पर 7 दिन व्रत कर लो, मैंने कहा था पहले दिन 7 दिन सब यजमानों को श्रोताओं को सहज रहना है, सरल रहना है, सच्चा रहना है, पवित्र रहना है, किसी भी चीज की इच्छा नहीं करनी है, किसी भी चीज में मन नहीं लगाना है। पर एक बात भी नहीं मानी तुमने, तुम्हारा मन तो ताजमहल में लग गया, तुम्हारा मन तो इधर उधर लग गया, तुम्हारा मन तो उधर उधर जा रहा है, अब तुम्हारे मन की क्या गाथा गाऊं। चलो व्रत मत करो 7 दिन, पर कम से कम अपने आप को कंट्रोल तो करो, क्या फल मिलेगा व्रत तोड़ दिया। यो तो शुद्धि अशुद्धि का भय मुझे भी है, अच्छे बुरे का भय मुझे भी है, पर व्रत है ये 7 दिन का व्रत है, जो शुरू किया पहले दिन 7 दिन ऐसे ही जाने चाहिए, दिशा मत बदलो, व्यवहार मत बदलो, तो तुम्हारा सिस्टम बराबर चलेगा, तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा। दोनों समय भोजन करके भी कथा सुनी जा सकती है। पहले दिन से कष्ट हो रहा है मुझे तो, पर अब जो हो गया उसके लिए क्या करने का, आगे गलती नहीं होनी चाहिए। अदिति माता ने निरंतर 7 व्रत कर लिए, 7 वर्ष हो गए अदिति माता को व्रत करते करते। 7वां वर्ष जब अदिति माता का पूरा हुआ तो अदिति माता को फिर प्रभु ने दर्शन दिया, और जब प्रभु ने दर्शन दिया है अदिति माता को, तो भगवान प्रकट हुए रात के 12 बजे, उनके सामने खड़े हो गए आकर। आज तक कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो मां के पेट में से निकले और खड़ा हो जाए, पर विज्ञान से सोचे और अगर थोड़ा सा ध्यान लगाकर सोचें तो कथा सुन करके ये बात समझ में आ जाती है कि ये बालक तो 7 वर्ष पहले ही पैदा हो चुका था, पर 7 वर्ष पहले पैदा होकर मौन रूप से छुपा हुआ था, आज वो प्रस्तुत होकर प्रकट होकर बाहर आया। आज कश्यप ऋषि के घर में भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के अवतार के रूप में 7 वर्ष की आयु का अवतार धारण किया। 7 वर्ष तक लगातार माँ बच्चे को पाल रही है, और पाल कर जब बाहर किया तो उसी समय वो बालक
एक सुंदर तेज ओज से भरा हुआ बालक ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत हुआ, जो देवहूति अलंकृत करती है, जो अदिति के सुभाग के लिए, अदिति के कल्याण के लिए प्रकट होके आए। तो कथा कहती है कि आपको अगर कोई परेशानी है, दुख है, कष्ट है, तो सब कष्टों को निवारण करने वाला ठाकुर जी है। उनके रूपों पर मत जाओ, उनकी लीलाओं पर मत जाओ, वो कैसे आते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो भी मत जाओ, तो ध्यान कर लो सुधामा की नगरी को कैसे बना दिया है, गणिका को कैसे तार दिया है, अजामिल को कैसे उबार दिया है। वैसे भी वो तुमको भी उबारेगा और तारेगा, तुम्हारे और तुम्हारे वंश का ख्याल रखने वाला वही है, क्योंकि अंतर्यामी वही है और जिम्मेदारी भी उसी की है। अच्छा बताइए, जब श्वासें खत्म होने पे आती हैं तो डॉक्टर ऑक्सीजन देता है तो आदमी मर्जी बचता है क्या? वैसे तो श्वास में कुछ नहीं है, वही ऑक्सीजन जाती है, पर परमात्मा रूपी ऑक्सीजन जब अपने आप में खत्म होती है तो हम जिस चीज का साधन मानते हैं वो साधन भी फेल हो जाता है। इसलिए किसी भी हाल में अपने नैया का खेवैया परमात्मा को समझो, यहां पर अहंकार शून्य हो जाइए। अगर आप यहां अहंकार शून्य हो गए तो अवश्य ही मैं आपके नैया को तारने वाला आपके नैया को कभी नहीं डूबने देगा। आज तो अदिति के घर में बामन भगवान का अवतार हुआ। जैसे ही बामन प्रकट हुए, महर्षि कश्यप को सूचना दी गई, महर्षि कश्यप घर पे आए। महर्षि कश्यप ने देखा ये ब्राह्मण का बच्चा है, यानी मेरा बच्चा है, 7 वर्ष का हो गया है, इनके बाकी संस्कार तो हो नहीं पाए, पर 7 वर्ष में ब्राह्मण को यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य ही करना चाहिए। 5 और 7 वर्ष के बीच में ब्राह्मण को यज्ञोपवीत संस्कार दीक्षा समारंभ करना चाहिए। अगर ब्राह्मण का बच्चा लास्ट में 7 वर्ष की आयु तक दीक्षित हो जाता है